मैं ग्रोटेक सर्विसेज से कुरतला निज़ामी हूँ और मैं ग्रोटेक सर्विसेज में एज एग्रोनमिस्ट काम कर रही हूँ। और आज हम मौजूद हैं ऑयल सीड रिसर्च प्रोग्राम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद में। हम बहुत थैंकफुल हैं डॉक्टर हारिस खुर्शीद के, जो कि यहाँ पे एज साइंटिफिक ऑफिसर अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और सोयाबीन के क्रॉप इंचार्ज भी हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर हारिस खुर्शीद की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हारिस खुर्शीद है, मैं सोयाबीन क्रॉप इंचार्ज हूँ। एज ए साइंटिफिक ऑफिसर ऑयल सीड्स रिसर्च प्रोग्राम NARC में पिछले 7 साल से खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग इंशाल्लाह अपने फार्मर्स को, अपने व्यूवर्स को ऑयल सीड्स के बारे में हमारे थ्रू क्या आगाही दिलवा सकें। जी, मैं ख़ुद भी ग्रोटेक को यूट्यूब पे भी फॉलो करता हूँ और आपकी वेबसाइट्स पे भी और सोशल मीडिया के थ्रू जो आपकी पोस्ट्स होती हैं और मैं देखे उनसे रियली बहुत इंस्पायर होता हूँ। माशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा नेटवर्क है और फार्मर्स को आप रियल टाइम में एडवाइजरीज डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में दे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि इससे पाकिस्तान की हमारी ज़रात में एक अच्छा रुझान लोगों में देख रहा है कि हम देख रहे हैं कि बड़े यंग लोग और एजुकेटेड लोग अब राग़िब हो रहे हैं न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए कि कैसे वो अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। हमारा पहला सवाल है कि इस वक्त खेत में कौन कौन सी फसलें मौजूद हैं और उनके ऊपर कौन सी बेहतरीन जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अपना कर हमारे किसान जो है वो बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वैसे तो साल के दो ही मौसम होते हैं, रबी और खरीफ। अभी हम रबी सीज़न के बिल्कुल इब्तिदा में हैं और ऑयल सीड्स की या तेलदार अजनास की अगर बात की जाए तो इस वक्त केनोला या आप इसको राया कह सकते हैं या रेप सीड भी इसको बोलते हैं, तो वो इस वक्त तकरीबन उसकी काश्त हो चुकी है और NARC में भी तकरीबन हमने 150 एकड़ के करीब इस वक्त काश्त किया हुआ है। और वो अगर हम किसी फार्मर ने थोड़ा सा अर्ली लगाया होता है तो वो ऑलरेडी कम से कम 15 दिन उसको हो चुके होते हैं। ये 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक की हमारी एडवाइजरी होती है और डिपेंड करता है कि ज़मीन के अंदर नमी का तनासुब किस तरह है। तो अगर प्रॉपर वतर अवेलेबल हो तो उसके बाद ज़मींदार ज़रा वक्त से पहले लगा लेता है, बसूरत दीगर वो बिल्कुल आखिरी अक्टूबर के हफ्ते तक लगा सकता है। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि जी अभी वेजिटेटिव स्टेज पे है, तो अभी पत्ते निकल गए हैं, इमरजेंस हो गई है। सर, इस स्टेज पर कैनोला को क्या क्या मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं, फील्ड में कौन कौन से प्रॉब्लम्स फार्मर जो है वो फेस कर सकते हैं? इस स्टेज पे ज़्यादातर आपके मसाइल दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये कि अब जैसे एक्सेसिव बारिशें हों तो ज़्यादा बारिशों की वजह से ज़ाहिर ज़मीन में नमी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उसका भी किसी हद तक एक मनफी असर हो सकता है पौधों पे। या इसके अलावा हम देखते हैं कि जड़ी बूटियां या घास नुमा जो जड़ी बूटियां हैं उनकी पैदावार किसी हद तक आपको डिस्टर्ब कर सकती है, तो लिहाजा बेहतर यही होता है कि आप गोड़ी करें या वक्त से पहले इस तरह की जड़ी बूटियों का तदारुक करें, क्योंकि अभी आपकी फसल इब्तदाई मराहल में है। अगर इस मरहले में ही उसका मुकाबला जड़ी बूटियों के साथ शुरू हो जाए तो आगे जा के वो फसल की पैदावार के ऊपर काफ़ी असरअंदाज हो सकता है। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो मतलब सीवियर होता जा रहा है, मतलब उसमें इंक्रीज़ आता जा रहा है, और इस हवाले से जो टेम्परेचर का राइज़ होना है उसके ऑयल सीड क्रॉप पे क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये एक चैलेंज है हमारे लिए बतौर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी और फार्मर्स के लिए भी कि एग्रीकल्चर फूड की प्रोडक्शन या पैदावार को बदलते हुए मौसमी हालात के तनाज़ुर में हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह की पिछले हम देख रहे हैं 10-15 साल में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुई हैं और रिसर्च ने कुछ ऐसी न्यू इनोवेशंस या टूल्स बना दिए हैं कि जिससे हमें फसलों के हवाले से या अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के हवाले से फैसला साजी में काफ़ी मदद मिल सकती है। उसमें मैं समझता हूँ आप लोगों का अपना इदारा भी, ग्रोटेक की भी बड़ी अच्छी खिदमात हैं कि फार्मर के पास इस वक्त फसल लगाने से पहले भी काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू मालूमात को ले सकते हैं कि उन्होंने जो प्लान किया हुआ है कि किस दिन उन्होंने सोइंग करनी है तो एन उसी हफ्ते या उन्हीं 10 दिनों में या उन्हीं 5 दिनों में मौसम किस तरह का होगा, तो वो वेदर प्रिडिक्शन की आप लोग दे रहे हैं शायद। तो इसके अलावा मतलब आप लोग अगर जिस ज़मीन पर फार्मर लगाना चाहता है उस ज़मीन की अगर वो देखना चाहता है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना है, कार्बन कंटेंट कितना है, तो एल्गोरिथम्स ऐसे डिवाइस किए गए हैं कि वो आपको इमेजरी से, सैटेलाइट इमेजरी से या ड्रोन बेस्ड फोटो फिनोटाइपिंग के थ्रू आप साइल की करें तो आपको बता सकता है कि जी आपके ज़मीन के खेत का कौन कौन सा हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पे कार्बन की एप्लीकेशन की जा सकती है या ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया जा सकता है। तो इसके अलावा मतलब ये है कि इवन अगर फसल लग भी जाए
तो ज़मींदार को मतलब कोई आइडिया नहीं होता कि उस वक्त उसकी फसल की क्या कंडीशन है। वो अगर ज़्यादा एकड़ेज पे उसकी फसल लगी हुई है तो एक फार्मर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो रोज़ाना सुबह उठकर खेत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे के पूरे खेत का मुआयना करे। तो अब तो रिमोट सेंसिंग के थ्रू UAV बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जिसको हम ड्रोन कहते हैं, और इसके अलावा सैटेलाइट इमेजरी है, तो उसके थ्रू आपके पास अगर 100 एकड़ हैं, आपके पास सैकड़ों एकड़ की ज़मीन है, तो आप उसको सैटेलाइट के थ्रू देख सकते हैं कि उनके अंदर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी किस पैच में है, ज़मीन के किस पोर्शन में ऐसा है कि वहाँ पे अगर आपको यूरिया ऐड कर दें तो आपकी पैदावार ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ मैं समझता हूँ कि फार्मर को अडॉप्ट करनी चाहिए, उससे उनकी पैदावार में न सिर्फ बढ़ोतरी होगी बल्कि उनको यकीनी हद तक अपनी फील्ड को मैनेज करने का, पहले से ही फैसला लेने का एक इख्तियार मिल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आप देखें कि अगर एक फार्मर जब भी वो कोई फसल लगाता है तो सबसे पहले देखते हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, पैदावारी लागत उसकी कितनी है। हर फार्मर की आजकल जिस तरह हम देख रहे हैं कि महंगाई है, इनपुट बहुत महंगे हो चुके हैं, तो फार्मर को जब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो उसको पहले से पता चल जाएगा कि अगर उसने इनपुट की यूटिलाइजेशन करनी है तो वो बड़े जुडिशियस तरीके से करे, बजाय इसके कि आप पूरे खेत में यूरिया का छटा मारें या आप कोई भी खाद डालें, आप सिर्फ उस एरिया को ही टारगेट क्यों ना करेंगे जहां पे आपको इनपुट की या खाद की जरूरत है। तो इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप अपनी कास्ट को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 2 बोरी या 1 बोरी पूरी इस्तेमाल करें, आप आधी बोरी के इस्तेमाल से अपनी जमीन की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मैं समझ ठीक है अब मैं समझता हूँ कि हमें फील्ड का विजिट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि इस वक्त फसल की क्या कंडीशन है, और वहाँ पे देख के बात करेंगे कि कैसे फार्मर्स जो वहाँ पे मसाइल हैं उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। जी सर, जरूर। अब मैं समझता हूँ कि हमें फील्ड का विजिट करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि इस वक्त फसल की क्या कंडीशन है, और वहाँ पे देख के बात करेंगे कि कैसे फार्मर्स जो वहाँ पे मसाइल हैं उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। जी सर, जरूर। सर, मेरा आपसे सवाल है पहला कि सोयाबीन की पाकिस्तान में क्या अहमियत है? जी मैडम, सोयाबीन बेसिकली एक तेलदार अजनास की एक बड़ी सबसे अहम फसल है, पूरी दुनिया में काश्त की जाने वाली आयल सीड्स की सबसे बड़ी फसल है ये। पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत ये है कि पाकिस्तान इस वक्त top 5 इम्पोर्टर में हैं ग्लोबली, और पिछले साल जो पाकिस्तान की सोयाबीन की इम्पोर्ट्स हैं वो 25 लाख टन के लगभग है, उससे ज़्यादा हो सकती हैं, कम नहीं है। तो अगर डॉलर की वैल्यू में हम उसको देखें तो वो तकरीबन $2 अरब के करीब पाकिस्तान का ज़र्रे मुबादला कीमती इसके ऊपर लग रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये आ कहाँ पे रहा है। ये बेसिकली आपको बता दूं कि इसके जो मेजर इसका यूटिलाइजेशन है बतौर प्रोटीन सोर्स के होता है, और प्रोटीन सोर्स के में होने की वजह से ये एनिमल फीड्स या पोल्ट्री फीड्स, स्पेशली पोल्ट्री फीड्स का ये अहम जुज़्व है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री है कि उनको जल्द से जल्द चिकन तैयार करना होता है महीने के अंदर अंदर, उसके लिए उनको हाईली न्यूट्रिशियस फूड डेवलप करने की ज़रूरत होती है। उस सिलसिले में फिर सोयाबीन चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तकरीबन फीड का 35% आपको प्रोटीन, और वो आपको चीपेस्ट सोर्स सोयाबीन दे रहा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें एक्वा फीड जो मछलियों की खुराक है उसमें इसका इस्तेमाल है, जानवरों की खुराक वनडे में इसका इस्तेमाल है, और अबव ऑल पाकिस्तान के मतलब एक ऐसा मुल्क जहां पे घी और तेल का खुर्दनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, मतलब एक कुछ अंदाजे के मुताबिक ये 25 किलो घी सालाना हर इंसान खाता है पाकिस्तान में, और कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो शायद 55 किलो तक भी जाती हैं, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ किस्म का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो एक ऐसे मुल्क में जब जहाँ पे खुर्दनी तेल और घी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है तो सोयाबीन का तेल मतलब आयल सीड्स में वन ऑफ़ दी बेस्ट आयल्स में से आता है। तो हमारी जो आल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन या अपसिया, और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन या पोल्ट्री फीड्स के जो लोग हैं वो इस वक्त मेजर इम्पोर्टर हैं सोयाबीन क्रॉप
आपके, तो वो बतौर एक ज़रात के मुल्क है, ज़रई मुल्क है, पाकिस्तान में ये क्यों ना हम इसको लोकली काश्त करें, तो ये इस वजह से एक इम्पोर्टेंट है कि हुकूमत का ये रुझान हम देखने में देख रहे हैं कि क्यों ना इस फसल को मुल्क के अंदर ही काश्त किया जाए, और कीमती ज़र मुबादला को कैसे हम मतलब बचा सकते हैं कि $2 अरब ऐसे हैं कि ये सिर्फ यही नहीं रुक रहा है बल्कि अगले मुस्तकबिल में यही पेशगोई की जा सकती है कि सोयाबीन की इम्पोर्ट्स मज़ीद बढ़नी है। तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद सालों में पाकिस्तान के लिए सोयाबीन की अहमियत और ज़्यादा होगी। यकीनन सर, जैसे कि आपसे पता चला कि काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्या ये पाकिस्तान में काबिल काश्त है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मतलब मैं आपको बता दूं कि सोयाबीन 1970 में 3 गैर रिवायती तेलदार फसलें पाकिस्तान में बाकायदा सरकारी तौर पे लॉन्च की गई, उनमें सोयाबीन थी, सनफ्लावर या सूरजमुखी थी, और इसके अलावा सैफ्लावर का संभा जिसको बोलते हैं। ये तीनों गैर रिवायती तेलदार फसलें सिंध में फर्स्ट टाइम लगी थी अर्ली 1970s में। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली फार्मर हमारी और फसलें जो यहाँ पे लग रही थी वो मार्केटेबिलिटी की वजह से ज़रा ज़्यादा आगे आ गई, इन फसलों ने अपना मुकाम नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल PARC पहला इदारा है कि जिसने सोयाबीन की काश्त को पाकिस्तान में फैलाने के लिए लेट 70s या अर्ली 80s में इस पे काम शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये बिल्कुल काबिले काश्त है और ये पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबों में लग सकती है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर 14 मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं, आपको हर इलाके हर ज़िले के लिए आपको या हर रीजन के लिए या हर इकोलॉजिकल जोन्स के लिए सोयाबीन की ख़ास अकसाम चाहिए। तो अगर आपके पास ख़ास अकसाम अवेलेबल हो तो मैं समझता हूँ कि ये चतराल से लेकर तो गवादर तक हर जगह काबिले काश्त हो सकती है। जी सर, फिर क्या मसाइल हैं, क्यों हमारा फार्मर जो है वो इसको ग्रो नहीं कर रहा, आपके पास उनके मसाइल के क्या हल मौजूद हैं? मसाइल मैं समझता हूँ कि कसीरुल जहती हैं, काफ़ी मसाइल हैं। सबसे जो मेजर इशू फार्मर्स को पेश आया था वो मार्केटेबिलिटी का था। फार्मर ये सोचता था कि यार हम इसको लगाएंगे तो फिर इसको ख़रीदेगा कौन। वजह उसकी ये थी कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमतें कम थीं, और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा लोकल ऑयल मिल्स हैं या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं और उनकी बाकायदा यूनियन भी है, उनको वो ईजी पड़ता था, आसान पड़ता था कि वो बाहर से आसान और सस्ती सोयाबीन मंगवाएँ। तो जिसकी वजह से वो उन्होंने लोकल फार्मर को इतना पुश नहीं किया और फार्मर्स को मतलब उनको प्रोड्यूस बेचने में बड़ी दिक्कत का सामना था। अब पिछले चंद सालों में हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम्स आई हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुई है COVID-19 की वजह से, डॉलर के एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब उस इंडस्ट्री को मतलब हकीकी मानों में बड़ी मुश्किलात का सामना है। अब वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्यों ना हम लोकली इसको डेवलप करके लगाएं। तो फार्मर को मैं समझता हूं कि एक प्राइस ना मिलना, सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म का ना होना, मार्केटेबिलिटी इंश्योर्ड ना होना, और इसके अलावा एक नई फसल थी तो इसको उस हिसाब से इसके अंदर वेराइटियाँ नहीं बनाई गई, इसके तहकीक के ऊपर ज़्यादा और नहीं दिया गया, मैकेनाइजेशन इसकी इतनी नहीं हुई, और हम चूँकि यहाँ पर हमारे पास GMO सोयाबीन हम नहीं लगाते, तो पूरी दुनिया में तो GMO सोयाबीन लगती है, इसकी जड़ी बूटियों इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं किया गया, और चंद वेराइटियाँ जो ऐसे रीजन्स में जहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च हो रही थी सिर्फ वहाँ के लिए बन गई, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं, जोन्स हैं जिनके लिए अभी वेराइटियाँ ही नहीं बनी। तो मैं समझता हूँ कि ये चंद ऐसे मसाइल हैं, बेहतरीन बीज का अवेलेबल ना होना, मार्केट का ना होना, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव ना होना, मैकेनाइजेशन का ना होना, तो ये चंद बड़े मसाइल में से एक है। 2012-13 में हुकूमत पाकिस्तान ने, उस वक्त की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च थी, उसने हमारे इदारे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के साथ मिलकर एक सोयाबीन के बारे में दोबारा से एक समझ लें कि कैंपेन लॉन्च की कि पूरे मुल्क में इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसकी प्रमोशन के ऊपर काम किया जाए। हमने एक प्रोजेक्ट भी विन किया PSDP से, और उस वक्त हम पायोनियर थे अगेन, हमने 80s में भी हमने ही शुरू किया था, लेकिन बीच में ज़ाहिर है एक गैप आया कि रिसर्च का कोई इस तरह खातिर खारी रिसर्च नहीं हुई, लेकिन फिर 2013 आनवर्ड NARC वाहिद ऐसा इदारा है जो सोयाबीन का बीज बना रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले भी काम हुआ था, वेराइटियाँ मौजूद थी, उनका बीज किसी न किसी हवाले से मौजूद था। NARC के अंदर मैं आपको बता दूँ अजमेरी, रावल 1, NARC 2, और एक पिछले साल वेराइटी रिलीज़ हुई है NARC 2021, उसका बीज था। एक विलियम 82 अमरीकी वेराइटी है, उसका बीज भी हमारे पास था।
इसके अलावा जो बेहतरीन वैरायटी है पंजाब के लिए, फैसल सोयाबीन पुरानी 1996 में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के आयल सीड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की वो वैरायटी वो, और फिर अभी रिसेंटली उनकी हमारे साथ ही 2021 में एक वैरायटी है आई है आरी सोयाबीन, वो बड़ी बेहतरीन वैरायटी है। तो इनका बीज अवेलेबल है और NARC में तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और हमारा हम औसतन सालाना तकरीबन 350 एकड़ पर सोयाबीन लगाते हैं, फुली मैकेनाइज लगाते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हमारी नहीं है फसल। हम थ्रू आउट मशीन्स के थ्रू इसकी सोइंग करते हैं, ड्रिल्स के थ्रू इसकी सोइंग करते हैं, फिर अगर हमने स्प्रेइंग करनी है स्प्रेइंग भी बूम स्प्रेयर्स बड़े बड़े उनसे करवाते हैं, और फिर उनकी हार्वेस्टिंग कंबाइन हार्वेस्टिंग से करवाते हैं। और इस वक्त हमारे पास बिल्कुल 4-5 वेराइटीज़ का बीज अवेलेबल है जो कि हमारे पेटको या हमारे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं ग्रोटेक भी ले सकते हैं, तो उनके थ्रू फार्मर हमसे ये बीज ले सकता है। ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये बेसिकली हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स हैं, ये हमारी कैंडिडेट लाइंस हैं, हम वैरायटल डेवलपमेंट का भी हमारा काम है, हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इस वक्त जो आप किस्म देख रहे हैं ये हमारी अगले 1-2 साल में इंशाल्लाह ट्रायल्स में नेशनल यूनिफार्म यील्ड ट्रायल्स में जाएगी। इस तरह का सोयाबीन का पौधा होता है, इस वक्त आप जो स्टेज देख रहे हैं तो तकरीबन ये मेच्योरिटी के करीब आ गई है, इसके पत्ते झड़ गए हैं, इसकी ब्रांचेज या जो शाखें थी वो गिर गई हैं, और ये बिल्कुल ये एक स्टेम के ऊपर या के ऊपर आप फलियां देख सकते हैं। ये एक फली मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूं, इसके अंदर 3 से 4 दाने होते हैं, और ये शायद व्यूअर देख सके हमारे, ये इसका दाना होता है बिल्कुल, और इसका हम देखते होते हैं कि अगर 14% से लेके तो 15-16% तक अगर इसकी मॉइस्चर है, इसके अंदर नमी है, तो आपकी हार्वेस्टिंग के बिल्कुल काबिल है। आप देखेंगे तो पली बिल्कुल खुश्क हो गई है, सूख गई है, और आप इसको तोड़ेंगे तो इससे आपको दाने ये नज़र आ जाएंगे। तो ये मतलब बेसिकली मेजर इसका प्रोड्यूस यही बीज है। मॉइस्चर लेवल हमारे पास मॉइस्चर मीटर होता है, ग्रैंड मॉइस्चर मीटर, वो कैट कंपनी का है, और उसके अंदर आप एक मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी आप डाल दें तो वो बटन दबाएंगे तो वो आपको वैल्यू दे देगा कि इसके अंदर मॉइस्चर परसेंटेज इतनी है। ठीक है। इस फार्मर अपनी फील्ड पे उसका करना चाहता है, अगर तो उसने छोटा एरिया है, उसने दरांती के साथ कटाई करनी है, तो वो अगर थोड़ी सी बेशक इससे ज़्यादा भी मॉइस्चर हो वो आप मतलब दबाएंगे तो ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा नरम लगेगा अगर उसके अंदर नमी है, और अगर ये खुश्क हो जाए ड्राई हो जाए तो बिल्कुल ये हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। आप इसको मतलब ऐसे ऐसे खनखाने के भी तो वो बिल्कुल एक खनक सी आपको आवाज़ आएगी, तो वो नॉर्मली भी आप फली को ऐसे तोड़ेंगे तो फली के अंदर आपको दाना नज़र आ जाएगा, बिल्कुल डेवलप हुआ हुआ है और खुश्क हुआ हुआ है, और वो वक्त होता है कि फिर आप इसकी कटाई करें। सर, सोयाबीन की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे फार्मर्स को बता दें कि ये कब जो है वो हम काश्त करते हैं, कब इसको हार्वेस्ट करते हैं, क्या इसकी फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट है, आप मतलब ब्रीफ़ कर दें थोड़ा सा हमारे किसान भाई ताकि इस क्रॉप से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, असल में सोयाबीन बुनियादी तौर पर तो खरीफ की फ़सल है, और इसको हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अगर आपाशी वाले इलाके में लगाते हैं तो 15 जुलाई के आसपास इसकी काश्त कर सकते हैं, और अगर आप बारानी इलाके में लगाते हैं तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में तक आप इसकी कर सकते हैं, मतलब 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक। लेकिन अगर बदकिस्मती है आजकल जिस तरह मौसमों की ये तब्दीलियां हमारे सामने आ रही हैं, अगर बहुत भी ज़्यादा लेट हो गए तो आप अगस्त के पहले हफ्ते से इसको लेट ना करें, लेकिन बुनियादी हमारी यही रिकमेंडेशन है कि आप इसको 15 जुलाई के आसपास काश्त करें, और ये जो जुलाई की काश्त है ये आपके पंजाब पूरे में और आपके पोटोहार पूरे रीजन के लिए ये हमारी एडवाइज़ है। और इसके अलावा अगर आप गिलगित बल्तिस्तान या AJK या सवात की बात करें तो वहाँ पे आप इसको मई के महीने में या जून के महीने में 15 मई से लेके तो 15 या 20 जून तक आप इसकी काश्त कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी एक बहारिया किस्म भी लगती है, पंजाब के इलाकों में बहारिया भी बड़ी मौजूद है, खसूसी तौर पर जनूबी पंजाब के जो अजला हैं, जनूबी पंजाब के अजला में अगर आप इसको 15 जनवरी के बाद लगा लें तो वो आपकी बहारिया सोयाबीन कहलाएगी। लगाने का तरीकाकार इसका यह है कि आप इसको ड्रिल के तरीके से भी लगा सकते हैं, इसके अलावा आप इसको खेलियों पे भी लगा सकते हैं जिसको चौका बोलते हैं या चोपा बोलते हैं, तो उसमें आप 3-3 सेंटीमीटर का फासला देके तो छोटे से लकड़ी से तकरीबन 1 से 1.5 इंच की गहराई तक आप इसका बीज लगाएं और 2-2, 3-3 दाने डालें, क्योंकि इसमें जर्मिनेशन का एक मसला है, जर्मिनेशन आपने इंश्योर करनी है कि आपके जो भी आपने जहाँ जहाँ बीज लगाया है तो वो सारा ही उगाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमने 1,80,000 से 2,00,000 के करीब 1 एकड़ में पौधे की हमें आबादी चाहिए होती है, तो अगर
वो आपके पास आ जाए और आपके पौधे उग आए तो आप समझ लें कि आपकी पैदावार का आधा मसला तकरीबन हल हो गया है। इसके अलावा इसकी कोई ऐसा खाद की मैं समझता हूँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसलिए भी नहीं है कि ये एक आपको पता है कि फलीदार अजनास में आती है। फलीदार अजनास की खसूसियत है कि वो नीचे उसके अंदर BNF के प्रोसेस के थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बैक्टीरिया खुद ही साइल में नाइट्रोजन ऐड कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो पाकिस्तानी ज़मीनें हैं वो शायद उनमें नाइट्रोजन की डेफिशेंसी है और कुछ इलाकों में ये प्रोसेस नोड्यूलेशन का इतना एफिशेंट होता भी नहीं है। हम समझते हैं कि यूरिया की एक बोरी लगाने के महीने बाद या पहली आपाशी पे या पहली बारिश पे, इसके अलावा DAP का एक बैग, वो बिल्कुल इसको लगाने से पहले ज़मीन की तैयारी के वक्त एक DAP की बोरी, वो अगर आप डाल देंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा इसमें आपाशी भी 3-4 आपाशियाँ क्रिटिकल स्टेजेस पे के फूल आने के टाइम पे, फली बनते वक्त और बीज बिल्कुल बनने के वक्त, तो ये अगर वक्त वक्त पे बारिशें हो जाएं तो उसकी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा जो चूँकि खरीफ की फसल है, आपको जड़ी बूटियों को ज़रा कंट्रोल करना होता है और सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई का अटैक उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वो अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर वो एक वायरस का कैरियर भी है जो इसके अंदर बीमारी है, सोयाबीन मोज़ेक वायरस या येलो मोज़ेक वायरस, वो एफिड्स और ये वाइट फ्लाई की वजह से आती है। और इसके अलावा सूंडी का आपने तदारुक करना है वक्त से, वो आप बर वक्त इसकी स्काउटिंग करें और जो भी उस वक्त की रिकमेंडेड स्प्रे होगी तो आप हमसे भी रابطہ कर सकते हैं या मार्केट में भी जो इजीली अवेलेबल हो, तो वो रूटीन में एक दो स्प्रे आप कीड़े मार अदवियात की करते हैं। और इसके अलावा इस में कोई ऐसा कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है या एक्स्ट्रा किसी न्यूट्रिएंट की कोई इतनी डोज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जब आपकी फसल इस तरह हो जाए जैसे आपको ये नज़र आ रही है, पत्ते इसके झड़ चुके हैं, सिर्फ तने के साथ फलियाँ लगी हुई हैं और भी खुश्क हो गई हैं, ड्राई हो गई हैं, तो वो आप इसकी कटाई अगर आप दरांती से करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप इनकेस आपके पास मशीन अवेलेबल है तो कंबाइन हार्वेस्टर या इस तरह किसी मशीन से भी कर सकते हैं। और अगर दरांती से आप करते हैं तो फिर वो जैसे देसी तरीका है ये चने वगैरह की या दालों का जैसे वो करते हैं थ्रेशिंग करते हैं, तो आप बिल्कुल इसको भी उसी तरह नॉर्मल लोग बैठ के कपड़े की थैली में ये पौधे डाल के तो किसी भी प्लास्टिक के पाइप से उसको ऐसे तरीके से कूटते हैं। अगर आपने बीज लेना है तो फिर ख्याल करें कि दाना ना टूटे, और अगर आपने पैदावार लेनी है तो फिर दाना अगर टूट भी जाए दाल भी बन जाए तो उसकी वैल्यू पे इतना असर नहीं पड़ता, इंडस्ट्री बतौर प्रोड्यूस वो आपसे टूटा दाना भी ले लेती है। सर, पाकिस्तान में इसकी मार्केट वैल्यू के हवाले से हमारे किसान भाइयों की रहनुमाई फरमा दें। जी, इस वक्त काफ़ी सारे मतलब लोग हैं जो हमसे रबते में हैं और NARC से काफ़ी लोग प्रोड्यूस लेते भी हैं। कुछ हमारा एक बीज का पोर्शन होता है जो हमारे साथ जो बीज के अलावा कचरा निकलता है तो वो हाथों हाथ लोग लेते हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि डॉलर के रेट ज़्यादा होने की वजह से इनको 200 से 250 रुपये किलो सोयाबीन की ये पैदावार मिल रही है, तो जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो तकरीबन 7,500 से लेके 8,500 रुपये मन उठा रहे हैं फार्मर से। ये हो सकता है कि किसी का कॉन्टैक्ट ना हो पाए और उसको वो मुतल्लिका बंदे ना मिलें, तो वो बेशक हमसे भी रابطہ कर सकता है, हम उनको हेल्प करेंगे। लेकिन इस वक्त आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री के लोग इवन मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जैसे अम्ब्रेली स्टील मिल्स, तो इसके अलावा हमारे साथ और काफ़ी बिजनेस के पार्टनर हैं जो या उससे सोया मिल्क बना रहे हैं या उससे बाकी सोयाबीन के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो हमें बाकायदा कहते हैं कि कोई फार्मर हमारे हवाले करे जिनसे हम बीज खरीद सकें या पैदावार खरीद सकें। तो आराम से इसकी मार्केट इस वक्त 7,500 से लेकर 8,000 के दरमियान मन है, तो फार्मर को ये एक मुनाफा बख्श फसल भी है, वो आराम से 1 एकड़ से 1,00,000 से ऊपर मुनाफा कमा सकते हैं। प्रोडक्शन कास्ट इसकी मकई या बाकी चीज़ों से बहुत कम है। मैकेनाइज सीड प्रोडक्शन है माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज किया गया, तो इतनी अच्छी क्रॉप थी और अब जब ये हार्वेस्ट भी हो गई है तो इसका कितने परसेंट जो होगा वो सीड में डेवलप हो जाएगा पोर्शन, और कितना जो होता है वो कमर्शली चला जाता है, और ये जो सीड का प्रोसेस है आप जब सीड इससे जब सीड निकालते हैं वो कैसा होता है वो ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल समझ साहब, ऐसा है कि हमारा तकरीबन हमने फुली सिस्टम को मैकेनाइज किया है, क्योंकि अदरवाइज 300 या 350 एकड़ को हम मतलब लेबर के थ्रू इस तरह मैनुअली डील नहीं कर सकते। तो वो यहाँ से जाने के बाद फिर हमारे स्टोर्स बने हैं और ये बीज हम अपने स्टोर्स में मुंतकिल करते हैं, भी चूँकि टेम्परेचर डाउन है। सोयाबीन के बीज के तौर पे मैं फार्मर को एडवांस में बता दूं कि आपने ऐसे जगह पर रखना है कि वो कूल एरिया हो, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है और आपका बीज ज़्यादा अर्सा पड़ा रहे तो उसकी वाइबिलिटी लूज़ होने का ख़तरा होता है। अभी चूँकि सर्दियाँ हैं तो जैसे ही हमारी ये प्रोड्यूस आती है सबसे
सबसे पहले हम उसको अपने हमारे बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे लेके जाते हैं, उससे जो एक्सेस मॉइस्चर है वो उससे निकाल देते हैं। इवन हमें कभी कभार धूप में ऐसे बीज को खिलार के तो उसको सुखाना भी पड़ता है, मतलब लेकिन सिर्फ जो एक्सेस मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमारा एक सीड प्लांट है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि जो भी हमारी ये रॉ प्रोड्यूस है वैरायटी वाइज, मतलब हम सबसे पहले एक वैरायटी ले लेंगे कि जाहिर हमें पता होता है कि हमने इस फील्ड का जो बीज था वो फलां वैरायटी का था, उस वैरायटी के बीज को हम अपने सीड ग्रेडिंग ये प्लांट पे ले आते हैं और वहाँ से उसकी ग्रेडिंग होती है सीड की। वो एक एक वैरायटी को बाकायदा ग्रेड करके कि उसके अंदर जो टूटा दाना है उसको अलग कर देते हैं, अगर उसके अंदर कोई श्रेवड़ या छोटा दाना है उसको अलग कर देते हैं, जो सबसे बेहतरीन या बोल्ड साइज़ का या बेहतरीन जो आइडियल साइज़ है उसका जो बीज है वो अलग कर देता है। तो फिर उनकी बकायदा बैगिंग होती है, वो बैगिंग भी फुली मशीन से खुद हो रही है, तो वो हमारे वो बंदे होते हैं वो सिर्फ उनकी सिलाइयाँ करते हैं और बैग्स को एक साइड पर रखते होते हैं। तो नतीजतन आपके पास दो तीन कैटेगरी का आता है सोयाबीन, एक होता है बिल्कुल प्योर A1 और हेल्थ वाइज बेहतरीन और मॉइस्चर बिल्कुल ऑप्टिमम, तो उसको हम बीज के तौर पे ले जाते हैं। फिर जो रिमेनिंग होता है उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं कि level 2 का बीज है या कचरा है, या फिर अगर इन केस बिल्कुल ही टूटा दाना है तो वो बिल्कुल level 3। और सर ये जो level 1 जो सबसे अच्छे ग्रेड का बीज होता है ये कमर्शियली फिर आप इसको अवेलेबल करा देते हैं, NIRC के थ्रू भी लिया जा सकता है, और अगर हम चाहेंगे जो हमारे फार्मर्स हैं वो चाहें growpark.store के थ्रू तो क्या वो भी वहाँ से ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। बेसिकली जो हमारा कमर्शियल आर्म है पेटको, वो इस सारे के पूरे सीड प्रोडक्शन के प्रोसेस को A to Z सारा वो ओन करता है, लेकिन फिर उनके जैसे आप हैं ग्रोटेक है तो उनके फिर आगे प्राइवेट पार्टनर्स के साथ लिंकेजेस हैं, तो फिर वो उनके थ्रू आप मतलब पेटको से डायरेक्ट ले सकते हैं, या अगर आप ग्रोटेक या इस तरह के कोई और इदारे हैं जिनके साथ पेटको का लिंक है तो वो आप बीज प्रोक्योर कर सकते हैं, वो A1 जो हमारा सबसे बेहतरीन बीज हो। चलें ठीक है।